कहने का मतलब ये डिफेक्ट नहीं है, मेक नहीं है, बिल्कुल कोई डिफेक्ट नहीं है, ये ऑलरेडी है। जब 350 सीसी का इंजन है, ठीक है, जब 350 सीसी का इंजन चलेगा तो इसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो महसूस कराएगा कि हम 350 सीसी में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो में। शुरुआत में यहां से करना चाहता हूं कि आप मुझे प्लीज़ यूट्यूबर ना समझें, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं आपकी तरह ही एक कंज्यूमर हूं। और एज अ कंज्यूमर मैं भी हमेशा यही सोचता हूं कि अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा हूं, मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं उसकी रिसर्च करूं ताकि मैं अश्योर कर सकूं कि जहां भी मैं पैसा डाल रहा हूं मेरा पैसा वर्थ है और उसका मुझे भरपूर रिटर्न मिल सके। वो पैसा इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या किसी सामान या किसी चीज़ को खरीदने की बात हो सकती है। और जब भी कभी ऐसी रिसर्च एनालिसिस की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि मैं और आप रोड पे जाकर रिसर्च नहीं करते, दरवाजा खटाक के रिसर्च नहीं करते, अपने मोबाइल को ऑन करके जाते हैं यूट्यूब की एप्लीकेशन में और सर्च करते हैं अपना टॉपिक जिस पर हमें रिसर्च करनी होती है, और सुनते हैं यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, और लेते हैं अपना डिसीजन उनके हिसाब से। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सारे ही वीडियो और कंटेंट क्रिएटर्स को जो इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, और शायद आप कैमरे के पीछे की सच्चाई नहीं जानते, ये काफ़ी मेहनत लगती है। 5 मिनट का वीडियो, 6 मिनट का वीडियो, 9 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए घंटों की मेहनत होती है, घंटों की तैयारी होती है, लोगों से बातचीत होती है, कैमरे का सामना होता है, एडिटिंग होती है, पोस्टिंग होती है, देन इन्श्योर किया जाता है कि आप तक वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके जिसकी आपको ज़रूरत है। सो प्लीज़ मैं और आप मिलकर सारे ही कंटेंट क्रिएटर्स को थैंक यू बोलते हैं जो इतना काम कर रहे हैं। और आई थिंक YouTube बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जिससे हम घर बैठे वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। इसी सीरीज में नेक्स्ट बात करता हूँ अपनी, क्योंकि मैं भी एक रिसेंट बायर हूँ एक बाइक का। अगर बात करूँ मैं बाइक्स की, तो किसी भी सेगमेंट की बाइक की बात कर लीजिए आप, चाहे क्रूज़र सेगमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स सेगमेंट हो, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि बाइक्स की प्राइसेस क्या होते हैं या मिनिमम प्राइसेस क्या होते हैं, और मैक्सिमम की तो खैर लिमिट ही नहीं है। तो अगर तो आपके पास बहुत पैसा है, जैसे मैं कहता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है, नमस्ते, अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है या आपके पास आपका हार्ड अर्न मनी है जिसको आप एक बार बाइक लेने में खर्च करने वाले हैं, या मेरी तरह आप शायद अपनी पहली बाइक परचेज़ करना चाहते हैं, या आपने अपनी पहली बाइक परचेज़ कर ली है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सुन सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बिना स्किप करें एंड तक देखें, आपकी मर्जी है। अगर आपको ज़रूरत है आप देखें, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत माल मसाला पड़ा है, उसको देखें। लेकिन अगर आप वो बंदे हैं जिसके पास लिमिटेड अमाउंट है, एक ही बार खर्च कर सकता है, और आप नहीं चाहते कि आपका पैसा वेस्ट हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले वहाँ से जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, जिसका जो परफेक्ट जानकार है, तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मर्जी आपकी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने भी देखे थे, डिलीवरी से पहले क्या क्या चेक्स करने चाहिए, सेल्स के लिए क्या क्या देखना चाहिए, क्या कंपैरिजन है इन बाइक्स का जो एक सेगमेंट में आती हैं, प्राइस का, यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, ओनरशिप रिव्यू क्या है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी वीडियो और कंटेंट क्रिएटर्स को जो घंटों की मेहनत के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारे और आपके लिए लेकर आते हैं, जिसको हम घर बैठे ही यूज़ करते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। उसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए मैंने आज सोचा क्यों ना, इसी चीज़ में मैंने आगे बढ़ते हुए सोचा कि क्यों ना। और जब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की, तो आपको मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, बहुत सारे सजेशंस हैं। अगर हम बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि रॉयल एनफील्ड के भी किसी और चीज़ की तरह बहुत सारे लवर्स और हेटर्स हैं। हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है जो शायद किसी किसी हद तक आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर देती होगी। और जैसा मैंने आपसे कहा है, अगर आपको किसी चीज़ पे सजेशन चाहिए, किसी चीज़ पे ओपिनियन चाहिए, तो प्लीज़ उसके एक्सपर्ट और उसके जानकार से बात कीजिए। ये मेरा सोचना हो सकता है, लेकिन ये मेरा सोचना सही है और इस बात के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आपको कोई मेडिकल दिक्कत है, जाहिर सी बात है आप उसे वकील से कंसल्ट नहीं करेंगे, आप मेडिकल के कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर से ही बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है उस बंदे ने उसकी पढ़ाई करी है, उसकी प्रैक्टिस की है, और उससे बेहतर उस चीज़ के बारे में कोई नहीं बता सकता। अगर आपके पास कोई लीगल मैटर है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, या आप लीगल मैटर में फंस चुके हैं, आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे वकील के पास जिसने पढ़ाई वकालत की है, जिसको कानूनी दाव पेच आते हैं, जिसको IPC की सारी धाराएं पता हैं, और जिसको मालूम है कि किस केस को कैसे सॉल्व करना है। सो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप मेडिकल के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और वकालत के लिए आप किसी वकील के पास जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर हम रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं, तो क्यों ना हम रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में ही चले और बात करें किसी सीनियर बंदे से जिसका रोज का काम ही यही है, और उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि हमें कोई जानकारी दे पाएगा। इसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए मैंने रिक्वेस्ट करी सूरी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और मिस्टर अग्निहोत्री, जो कि वहाँ के मैनेजर हैं, कि अगर वो मुझे किसी से बात करा सकें। तो उन्होंने मुझे अपने एक इंजीनियर का नाम बताया, मिस्टर रमेश, जो कि वहाँ पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। अगर बात करता हूँ मिस्टर रमेश की, तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ।
मिस्टर रमेश रॉयल एनफील्ड में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और उनका काम है, वो सर्विस सेंटर में ही उनकी ड्यूटी रहती है। उनका काम है कि डेली आने वाली गाड़ियों की सर्विसेज उनकी ओनरशिप में रहती है। वो गाड़ियों की सर्विसेज के साथ साथ अपने साथी इंजीनियर्स को सजेशन देने का काम, सर्विसिंग के बाद गाड़ियों के इंस्पेक्शन का काम और सर्विसिंग क्लोजर का काम करते हैं। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। तो मैंने सोचा अगर उनसे बात करने का मौका मिल जाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। रमेश जी से मिलकर मैं जानना चाहता था कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के बारे में जो तरह तरह के डिस्कशंस होते रहते हैं उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, क्या वो किसी कॉमन इशू के बारे में बात करना चाहते हैं, क्या उनके पास कोई ऐसे टिप्स है ताकि हमें गाड़ी सर्विस सेंटर ना ले जानी पड़े या हम गाड़ी को लंबे समय तक यूज़ कर सकें। उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सर्विस सेंटर पहुंचा जहां उनकी शिफ्ट हो चुकी थी ऑफ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला बट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शिफ्ट के बाद एक घंटा उनको रुकने के लिए, जिसमें से 20 मिनट मेरे को मिले। मैं जितनी बात कर सकता था मैंने उतनी बात करने की कोशिश की और जाहिर सी बात है कि 15-20 मिनट का डिस्कशन वो डिस्कशन नहीं जिसमें रॉयल एनफील्ड जैसी एक लेजेंड बाइक को समझा जा सके। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा, ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी इस अश्योरेंस के साथ कि मैं उनसे दोबारा मिल सकता हूँ टाइम लेकर। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर इस वीडियो में आपके पास कोई भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप भी आपके पास कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं जिसके जवाब आपको अब तक नहीं मिल पाए हैं, तो शायद आप सही जगह आ चुके हैं। बिना समय गंवाए मैं आपको क्विकली लेके चलता हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर जहाँ मेरे साथ होंगे मिस्टर रमेश और बात करते हैं उनसे और सुनते हैं उनके क्या विचार हैं और मिलते हैं उसके बाद। सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आ चुका हूँ सोरी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, बट दिस टाइम वी आर नॉट एट द शोरूम, वी आर एट द सर्विस सेंटर। जी हाँ, और हमारे साथ हैं सोरी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर इंजीनियर मिस्टर रमेश जी। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं जैसे कि आपसे अपने प्रीवियस वीडियोज में कहता आया हूँ कि यू शुड नॉट बी रिलाइंग ऑन वॉट पीपल आर सेइंग अबाउट, यू शुड ओनली बी रिलाइंग ऑन वॉट एक्सपर्ट सेज। सो आज मैं आ चुका हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। ये ऐसे बंदे हैं जो दिन भर सैकड़ों गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं, उनका इंस्पेक्शन करते हैं, उनका चेकअप करते हैं, कंप्लेंट्स लेते हैं, सुनते हैं, ठीक करते हैं और यहाँ से काफ़ी सेटिस्फाइड कस्टमर्स निकलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग यूट्यूब पे आपको बताते हैं गाड़ियों की समस्या या उनके सोल्यूशंस वो गलत होते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो लोग इसका काम करते हैं, जो इसके जानकार हैं, जो इसकी पढ़ाई कर चुके हैं, जिसको ये काम आता है, जो डेली करते हैं, उनसे बेहतर आपको शायद ये जानकारी कोई नहीं दे सकता। सो मेरे साथ रमेश जी आ चुके हैं। रमेश जी सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपको कितने टाइम हो गया गाड़ियों की सर्विस करते हुए रॉयल एनफील्ड? मुझे करीब 25 साल 25 साल हो गए आपको। ओके, तो पुरानी गाड़ी से शुरुआत करेंगे कि तब की गाड़ियों में और अब की गाड़ियों में अंतर क्या है? पुरानी गाड़ियाँ थी थोड़ी पिकअप में कम थी, माइलेज कम था, लीकेज थी। अब जो गाड़ी आ रही हैं पिकअप, आदमी को जो चॉइस की गाड़ी आ गई है, पिकअप है, डिस्क ब्रेक गाड़ी आ गई है, पावरफुल जो गाड़ी है, जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी आ गई, उन्हें मिल रही है। तो अगर मैं पहले की बात करूं, जो मैं पुराने समय में जो बुलेट आती थी, तो बुलेट का क्रेज़ तो हमेशा से ही रहा है लोगों को। सो उसमें समस्याएं जो आती थी और जो अब गाड़ियों में जो प्रॉब्लम आती हैं सर्विसिंग के लिए जिसको लेकर लोग आते हैं, मैं रेगुलर सर्विस की बात नहीं कर रहा, लेकिन पहले ज़्यादा समस्याएं आती थी या अब ज़्यादा आती हैं? जो पहले समस्या आती थी वो उसमें माइलेज में, पिकअप में वो ज़्यादा आती थी और लीकेज होती थी गाड़ी की। सो अब वो समस्याएं सेम रही हैं या कुछ नई तरह की समस्याएं हैं या अब वो समस्याएं ज़्यादा खत्म हो चुकी हैं? मतलब क्या चेंज हुआ है पुरानी गाड़ियों के मॉडल में और अब गाड़ियों के मॉडल में? अब गाड़ियों में पिकअप मिल रहा है, गाड़ियों का माइलेज अच्छा मिल रहा है, गाड़ी की लाइफ बढ़ा दी है। जो हमारी पहले सर्विस होती थी मुश्किल से 10,000-5,000 किलोमीटर की देते थे, अब हम 40,000-30,000 किलोमीटर की देते। आप दिन भर में कितनी गाड़ियों की सर्विसिंग कर लेते होंगे? मतलब आप अपने हाथ से नहीं, मतलब आपके अंडर जितनी है करीब 35-38-40 गाड़ी निकल रही हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि क्लासिक 350 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। तो अगर आप 38 गाड़ी की करते होंगे तो उसमें से मेरे ख्याल से 15 गाड़ी तो आप क्लासिक 350 कर ही देते होंगे। 15 क्या 20 गाड़ियाँ क्लासिक की होती है। तो मैं और किसी गाड़ी की बात नहीं करता, क्लासिक की बात करता हूँ। ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ किस तरह के आते हैं आपके पास? कॉमन इशू कुछ नहीं है, बस ये है कि आदमी को चॉइस क्या होती है, पटियाला साइलेंसर जो आवाज़ वाली गाड़ी चाहिए, बाकी तो गाड़ी तो बेहतर ही है। साउंड का, साइलेंसर का। तो आपके ऐसे लोग भी आते होंगे जो आफ्टर मार्केट साइलेंसर लेकर आते होंगे? उसके लिए हम मना ही करते हैं कि गाड़ी की लाइफ कम होगी, गाड़ी में आपको पिकअप जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, फिर वो थोड़े दिन चलती है फिर
वैसी हो जाती है और शायद वारंटी भी खत्म होती है, एक्सटेंशन हो जाती है, उसके इंजन में आवाज़ ज़्यादा बढ़ने लगती है। और ऐसी कौन सी समस्याएं, जैसे मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, मैं बाद में पूछता हूँ दो तीन क्वेश्चन आपसे, आप खुद बताइए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अगर मतलब जैसे मैं रोज गाड़ी चलाता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई समस्या है तो मैं तुरंत सर्विस सेंटर लेके भागूँ, कुछ एक दो चीज़ें कुछ ऐसी बताइए जो मैं खुद ही देख सकता हूँ या कुछ ऐसे प्रिकॉशन ले लूँ। जैसे आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि टंकी फुल मत कराओ, मिसिंग की दिक्कत आने लगेगी। आपको बताऊँ सर क्या चीज़ है, आप रोज नॉर्मल गाड़ी सर्विस के बोर्ड चला रहे हैं तो उसके लिए मेन चीज़ है एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें, क्लीन करते रहें। अच्छा, खुद कर सकते हैं उसको करना, कर सकते हैं उसके लिए, और जाके सर्विस सेंटर पे क्या चैन चेक करा लें, बस लुब्रिकेंट के लिए चेक कराते रहे बस, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गाड़ी में। तो ये चीज़ें हम घर में खुद कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम मैं दो तीन आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि इंजन से टैपिड साउंड आती है, ये मैंने काफ़ी देखा है सुना है और लोग बताते हैं कि इंजन से टैपिड साउंड आती है जिसमें कुछ आरपीएम एडजस्ट करने होते हैं, आप बताइए। वो टैपिड नहीं होते हैं, उसमें हाइड्रोलिक गाइड होती हैं। अच्छा, हाइड्रोलिक गाइड होती हैं वो चलाने के ऊपर होती हैं, कि जो पटियाला सिलेंसर लगा लेते हैं वो पटाखा बजाते हैं। नॉर्मल सिलेंसर से आप चलाएंगे और प्रॉपर सर्विस आप 5000 किलोमीटर पर आप कराते रहेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और जैसे मैं तो गाड़ी देखिए बहुत तेज नहीं चलाता हूँ, मेरी नॉर्मल स्पीड 40 से 50 रहती है और अभी रिसेंटली मैंने उसको 80 या 90 तक चलाया था तो मुझे हल्का सा पैर में वाइब्रेशन लगा था। मेरे लिए वाइब्रेशन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि शायद क्लासिक 350 वैसे भी दौड़ाने वाली गाड़ी है नहीं। उसका भी रीजन है, मैं भी आपको उसको बता रहा हूँ। उसका सर क्या एयर सिस्टम होता है ना, गाड़ी कंपनी के हिसाब से कस्टमर डलाता ही नहीं है। एयर होना चाहिए 28 होना चाहिए, 32 होना चाहिए। अच्छा। और वो होती नहीं है, वो कोई 40 चला लेता है, डला लेता है, कोई 35 डला लेता है। तो वाइब्रेशन पे एयर प्रेशर से एयर प्रेशर से। और कुछ दो तरह चीज़ ऐसी बताइए जो मतलब जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, मतलब पहली सर्विस का तो आपने मुझे बताया था और मैंने शायद व्यूअर्स के साथ शेयर भी किया था, लेकिन जो लोग रेगुलर राइड करते हैं और लॉन्ग राइड करते हैं उनको किन और बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी तरफ से आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कुछ। उनका एक्सपीरियंस ये है कि चैन का ध्यान रखें, चैन लॉक हमेशा साथ रखें और क्लच केबल का ध्यान रखें। क्लच केबल का ध्यान मतलब क्या, क्लच केबल क्या होती है, हार्डनेस हो जाती है, टूटने लगती है। नॉर्मल चलाते हैं वो हमेशा एक हम किट आती है हमारे पास, वो किट हम यूज करके वो कस्टमर को देते हैं। अच्छा, सो वो किट कैसे, सर्विस सेंटर ही खरीदनी होती है? हाँ, सर्विस सेंटर से खरीदनी होती और है और हमें खुद करना होता है। हाँ, वो खुद कर लेंगे। कितने की पड़ती है वो सर्विस? और वो करीब ऐसे ही पड़ती है 800-1100 करीब किट होती है। अगर किसी सर्विस सेंटर से लेना हो तो क्या कहना चाहिए, क्लच हमें DYD कहते हैं, किट किट मतलब जिसमें क्लच केबल होती है, बल्ब सारे होते हैं, फ्यूज होते हैं, स्पार्क प्लग होते हैं, चैन लॉक होता है, अलॉय व्हील से ब्रेक पे असर पड़ता है, ब्रेक पे असर पड़ता है जो बाहर का होता है लगा हुआ, कंपनी फिटेड। हाँ, कंपनी फिटेड होना चाहिए। अच्छा, तो ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। एबीएस है वो काम करना छोड़ देता है। सो अगर हम बाहर से अलॉय व्हील लगवाते हैं तो उसके एबीएस से ब्रेक सिस्टम में फर्क पड़ता है, काम करना छोड़ देता है सर। अच्छा, एक चीज लोग बहुत बोलते हैं कि क्लासिक 350 के ब्रेक बहुत कम लगते हैं, तो अब तो डुअल चैनल एबीएस आ रहा है, कोई स्पेशल तरीका जो आप बताओगे? उसमें ब्रेक नहीं लग रहे हो कब, उनकी सोच थोड़ी सी वैसी हो जाती है। जो ABS एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है इसका, सर कब पकड़ेगा और छोड़ेगा इसको, कस्टमर को हमें कन्वेंस करना है कि ABS है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। मुझे बताने कि दोनों ब्रेक दोनों साथ ही यूज कर रहा है तभी ब्रेक पावर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पहली मीटिंग थी, मैं रमेश जी को थैंक यू बोलूंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो और अगर आपकी क्वेश्चंस की लिस्ट 100 के ऊपर पहुंचती है तो मैं उसमें से टॉप क्वेश्चंस को पिक करके एक बार रमेश जी को फिर तकलीफ दूंगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा उन क्वेश्चंस को लेके और आप होप मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बंदा के घर के पास ही सर्विस सेंटर हो और वो गाड़ी लेके भागता रहे। अगर आपसे ये जानकारी मिलती रहे कि क्या करना चाहिए, घर पर रख रखाव कैसे करना चाहिए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसके सर घर पर रखाव के लिए ये है कि हमारे सर्विस सेंटर ने एक बाइक कर रखी है कि जिससे आप फोन करेंगे तो हम घर पे भी सर्विस दे सकते हैं उसके। अच्छा, होम सर्विस। होम सर्विस SOW उसको हम घर सर्विस दे उसके सकते लिए, हैं। उसके लिए क्या कोई अपॉइंटमेंट लेना होता है या कोई नंबर? कुछ नहीं, फोन करना होता है सर, उसके लिए फोन करना होगा। ठीक है, सो रमेश जी थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए, आपने शाम में इतनी देर तक रुक कर समय निकाला हमारे लिए, होपफुली व्यूअर्स इस इन्फॉर्मेशन का यूज कर पाएंगे और अगर हमें 100 से ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं कमेंट सेक्शन में तो हम टॉप क्वेश्चंस को पिक करेंगे, कॉमन इश्यूज को पिक करेंगे, मैं इनके साथ बैठ के रिव्यू करूंगा और फिर रमेश जी हमारे साथ होंगे उन सबके सलूशन के साथ। रमेश जी कुछ और कहना चाहेंगे रॉयल फील्ड फैंस के लिए या जो हिटर्स उनके लिए? उनके लिए बस थैंक यू, बस इतना ही करने के लिए। कुछ सुझाव दें, हमको भी दें, पता चले, सेफ राइड करें बस।
सो आई थिंक ओवर स्पीडिंग के लिए भी मना करते हैं, गाड़ियां रेस के लिए नहीं बनी है, रेस के लिए सेगमेंट दूसरा है। ये गाड़ियां जैसे नाम कहता है रॉयल एनफील्ड, ये हल्के चलने में इसमें शान है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, और थैंक यू सो मच फॉर सूरी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अग्निहोत्री जी को स्पेशल थैंक्स जिन्होंने ये सेशन अरेंज करवाया। हम एक बार फिर मिलेंगे यहाँ पर। थैंक यू रमेश जी। अगर तो आप अभी तक वीडियो बने हुए हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपने रमेश जी को सुना और कुछ सवालों का जवाब आपको अब तक मिल चुका होगा। बहुत से ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसका जवाब आप अभी भी खोज रहे हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अगर तो आप सभी क्वेश्चन आंकड़ा पार करते हैं 150 का या 100 का, तो मैं उन क्वेश्चन को फिल्टर करूँगा। कॉमन क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं दोबारा जाऊँगा रमेश जी के पास, और मैं यहाँ लाइव सेशन में या अपने नेक्स्ट वीडियो में उन सारे ही क्वेश्चन के आंसर का रिस्पॉन्स आपको दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते रहें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो आपके सवालों के जवाब के साथ पोस्ट करूंगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको साथ ही मिल जाएंगे अपने सवालों के जवाब। अगर आपको लगता है इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी तरह से आपके काम की हो सकती है और आपको वो पसंद आई, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि ये सेम जानकारी की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों के समय का, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।